गोवर्धन के दो गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारकर 10 युवक युवतियों को पकड़ा है। गेस्ट हाउस के संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कब्जे में लिए हैं। इस दौरान एसएसपी का कहना है कि गोवर्धन पुलिस को सूचना मिली और सौक अड्डा के पास दो गेस्ट हाउस में कुछ युवक युवतियां रंगरलियां मना रहे हैं। इसके बाद पुलिस के टीम को लेकर एक साथ दोनों गेस्ट हाउस में छापा मारा गया। पुलिस को एक गेस्ट हाउस से 3 युवक 3 युवतियां तो दूसरे गेस्ट हाउस से 2 युवक और 2 युवती मिली हैं। पुलिस ने जब उन लोगों से पूछताछ की तो कोई भी उत्तर ठीक तरह से नहीं दे सका। इस दौरान पुलिस गेस्ट हाउस के दोनों संचालकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे से साक्ष्य को इकट्ठा किया। सब इंस्पेक्टर हरेंद्र ने एक गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर मशीन को कब्जे में लेकर दूसरे गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इस मामले में रविवार गोवर्धन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि दो गेस्ट हाउस में देह व्यापार चलने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान 10 युवक युवतियां रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।